नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करते हैं टेंथ क्लास साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो लास्ट टॉपिक है अपना एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मीन्स होता है ऊष्मा छेपी एंड एंडोथर्मिक मीन्स होता है ऊष्मा शोषी। ओके, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना? ठीक, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, देखो एक्सोथर्मिक एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है? ये किससे निकाला गया? ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका मींस क्या होता है? एक्सो, ई एक्सो, प्लस थर्मिक, THERMIC, ठीक है? ई एक्सो, एक्सो मीन्स होता है बाहर, बाहर का मीन्स होता है आउट, ठीक है? और थर्मिक मीन्स होते हैं हीट। थर्मिक मीन्स क्या होती है? हीट। थर्मिक मीन्स क्या होती है? हीट। अब आप समझ गए हो किससे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हीट क्या होती है? आउट होती है, रिलीज होती है, बाहर निकलती है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, RECTANTS। रिएक्टेंट मीन्स होता है अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक, ठीक है? रिएक्टेंट मीन्स होता है अभिकारक। इससे क्या बनेगा? प्रोडक्ट, यानी उत्पाद बनेगा। लेकिन इसके साथ क्या होगी? हीट। ओके, दूसरा RECTANTS, रिएक्टेंट, ठीक है? फिर इसके साथ क्या होगा? प्रोडक्ट प्लस एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। समझ रहे हो आप? देखो, हमारे पास अभिकारक है, रिएक्टेंट है, उससे प्रोडक्ट तो बनेगा लेकिन हीट बाहर निकलेगी। हीट हीट एनर्जी के रूप में भी हो सकती है या एनर्जी के रूप में भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? इसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हीट रिलीज होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेरिव्ड ग्रीक वर्ड, यानी कि ग्रीक भाषा से निकाली गई है, जिसमें एक्सो का अर्थ होता है आउट यानी बाहर, और थर्मिक का मीन्स होता है हीट, यानी कि हीट का बाहर निकलना, ठीक है? अभी एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। तो हम चर्चा कर रहे थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल के बारे में। देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गए? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गए? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ये रिएक्शन होगी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब ऐड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो उसमें क्या बाहर निकलेगी? हीट बाहर निकलेगी। तो हमने कहा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट क्या होती है? बाहर निकलती है। सेकेंड एग्जाम्पल, CH4, इसको बोलते हैं मैथेन, ठीक है? मार्स गैस, CH4+2O2 क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O जल बन गया, ठीक है? CH4+2O2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन गया, ठीक है? अब जब ये रिएक्शन होगी तो इसमें भी क्या बाहर निकलेगी? हीट बाहर निकलेगी। क्या बाहर निकलेगी? हीट बाहर निकलेगी। ओके, नेक्स्ट, C6H12O6 क्या रिएक्शन है? C6H12O6+6O2, इसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज, GLUCOSE, ठीक है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्लस क्या बाहर निकली? एनर्जी। देखो,
कई बार कम एग्जाम में आ जाता है, 10th क्लास के एग्जाम में आ जाता है, रेस्पिरेशन कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, एक्जोथर्मिक का। ये जो रिएक्शन है ये कौन सी है, रेस्पिरेशन रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब था श्वसन, ठीक है। श्वसन वाली जो अभिक्रिया होती है वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है, क्योंकि उसमें भी एनर्जी बाहर निकलती है। अगेन देखो, C+O2, CO2+ हीट आउट हो गई, CH4+2O2, CO2+2H2O, इसमें भी हीट आउट हो गई, C6H12O6+6O2, ठीक है, 6CO2+6H2O+, इसमें एनर्जी, मैंने कहा था हीट चाहे एनर्जी के रूप में बाहर निकलो या हीट एनर्जी के रूप में बाहर निकलो, बाहर निकलेगी, ठीक है। और ये एग्जाम्पल किसका है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है टोटल, ठीक है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन के सारे एग्जाम्पल है। इस रिएक्शन को हम रेस्पिरेशन रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ध्यान से सुनना, नाम से पता लगा, सोसी मीन्स होता है एब्सोर्ब, एब्सोर्ब मीन्स होता है ग्रहण करना, एब्सोर्ब मीन्स क्या होता है, ग्रहण करना, सोसी मीन्स शोषण करना, किसी चीज को लेना। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें हीट क्या होगी, एब्सोर्ब होगी, हीट क्या होगी, एब्सोर्ब, यानी हीट ग्रहण होगी। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी किससे निकाला गया, ग्रीक भाषा से निकाला गया, जिसमें एंडो का, एंडो प्लस थर्मिक, एंडो मीन्स क्या होता है, विद इन, क्या होता है, विद इन, विद इन, प्लस थर्मिक मीन्स क्या होता है, हीट, कि ये जो रिएक्शन होगी वो हीट के रूप में होगी, हीट की सीमा के अंदर ही होगी, जब तक हीट नहीं मिलेगी वो रिएक्शन नहीं होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये वो रिएक्शन है जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा को एब्सोर्ब किया जाता है, ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, जैसे रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट मीन्स क्या हो गया, अभिकारक, क्या हो गया, अभिकारक, ठीक है, प्लस ताप या हीट, फिर क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, ठीक है। इसमें जो हीट होगी वो एरो से लेफ्ट साइड में होती है, और एक्सोथर्मिक में जो हीट आउट होती है वो एरो से राइट हैंड साइड में होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, CaCO3, CaCO3 प्लस हीट क्या बना, CaO+CO2 क्या बना, CaO+CO2। अब देखो इसमें ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए हमें, हीट चाहिए, हीट एब्सोर्ब करेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट के पास हीट आएगा तो किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट ही जाएगा। देखो दोस्तों, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, और एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये दोनों ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है, और ये अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये किसका एग्जाम्पल है, अपघटन, अपघटन का मीन्स होता है टूटना, अपघटन का मीन्स क्या होता है, टूटना, ठीक है ना। इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, यानी कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जो एग्जांपल हमने करवाए थे वो एक्सोथर्मिक के हो सकते हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के जो एग्जांपल मैंने करवाए हैं वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है। देखो इसमें लास्ट फाइनल बता रहा हूं, एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी का मतलब होता है ऊष्मा को क्या करना, ग्रहण करना, कि इस अभिक्रिया के लिए हमें क्या चाहिए, हीट ही चाहिए, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट,
तो क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, मैंने साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो फर्स्ट चैप्टर में प्लीज मुझे कमेंट करें, और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।